का स्टडी किए, ब्लड के स्टडी के साथ हमने ब्लड में कंपोजिशन देखे जिसमें ब्लड प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट होता है। ब्लड प्लाज्मा में वाटर जो है 90 से 92%, बाकी रिमेनिंग जो है यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट होता है जिसमें प्रोटीन आता है, उसी के साथ साथ मिनरल्स रहते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे आयंस भी प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने यहाँ पे देखे थे प्रोटीन कौन सा होता है, तो यहाँ पे हमने देखे थे कि एक एल्बुमिन प्रोटीन होता है जो हमारे ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। फिर ग्लोबुलिन होता है जो क्या करता है, हमारा एक डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। और आता है फाइब्रिनोजन। तो फाइब्रिनोजन जो है इसका यदि हम रोल देखें तो फाइब्रिनोजन क्या करता है, फाइब्रिनोजन जो है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो ये तो हम लोगों ने ब्लड में प्लाज्मा का जो फंक्शन है ठीक है ये हमने देखे थे। प्लाज्मा जो है येलो कलर का मीन्स स्ट्रॉ कलर का हमने देखे थे ठीक है। ड्यू टू यूरिकोबिलिन्स जो होता है एक पिगमेंट होता है उसकी वजह से प्लाज्मा में कलर आता है। लास्ट टाइम एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था मेरे से और ऑलरेडी मैंने क्लास में भी एक्सप्लेन किया था ये। फिर फॉर्म एलिमेंट का हम लोगों ने स्टडी किए थे जिसमें हम लोगों ने आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का स्टडी किए थे। ओके आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की यदि हम बात करें तो अब यहाँ पे आज हम लोगों को इसी पोर्शन को थोड़ा सा और भी डिटेल में समझना है क्योंकि इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे जिसमें आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं आरबीसी को, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी जो है ये कहलाता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके तो इसी तरह से यहाँ पे एरिथ्रोसाइट्स मींस आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है तो आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे जो टर्म यूज होगा एक प्रोसेस होगी आरबीसी के फॉर्मेशन की और आरबीसी के फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाएगा, एरिथ्रोपोएसिस। ओके क्या कहलाएगा ये, एरिथ्रोपोएसिस। ऐसे यहाँ पे ल्यूकोपोएसिस आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, थ्रोम्बोपोएसिस। ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। चलो तो अभी क्या करते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ टेबल फॉर्मेट में इनके कुछ स्पेशल फंक्शंस और फीचर्स देखेंगे ताकि सारे कंसेप्ट हमारे बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, जिसमें हम उसका साइज देखेंगे, उसका हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आरबीसी, फिर हम लोग ले लेते हैं डब्ल्यूबीसी और उसके बाद हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, प्लेटलेट्स। तो अभी देखिए ये हो गया प्लेटलेट्स, इधर आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। तो अभी देखिए स्टूडेंट्स यहां पे फर्स्टली जैसे हम आरबीसी की बात करते हैं ठीक है, और आरबीसी में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे न्यूक्लियस जो है ये हम देखेंगे, क्या चीज, न्यूक्लियस। तो अब न्यूक्लियस जो है क्या आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यस और नो रिस्पॉन्स करेंगे, क्या आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है ठीक है, वेरी गुड। प्रज्वल, प्रहलाद, हर्षिता, खुशी, सभी के आंसर आए, बहुत बढ़िया बेटा। मीन्स आरबीसी जो है आरबीसी में न्यूक्लियस जो है ये एब्सेंट होता है, बट इसमें एक्सेप्शन है बेटा, कैमल की हम बात कर रहे हो, लंबा जो है ठीक है ये मैमल्स है और इसमें क्या चीज, इसके आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है ठीक है। तो ये हम हमारे ह्यूमंस और मैमेलियन आरबीसी की हम बात कर रहे हैं। फिर डब्ल्यूबीसी की हम बात करते हैं, तो डब्ल्यूबीसी जो है क्या डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा या एबसेंट होगा, यहां पर तो एबसेंट है। हाँ डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है, डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वेरी गुड। फिर आते हैं हम लोग प्लेटलेट्स पर, प्लेटलेट्स की बात करें तो एज इट इज आरबीसी प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, मीन्स प्लेटलेट्स में भी न्यूक्लियस जो है क्या होगा, एब्सेंट होगा, समझ गए। अब यहां पे देखिए न्यूक्लियस के साथ ही साथ जो सेल ऑर्गेनेल्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ठीक है, ये भी आरबीसी में एब्सेंट होती है ठीक है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन को सरफेस एरिया ज्यादा मिलता है, हीमोग्लोबिन का वहां पे अमाउंट ज्यादा रहेगा, साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे नहीं है तो ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। यदि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहता तो आरबीसी ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेती, समझ गए।
ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है बेटा, क्योंकि देखिए ऐसा कोई सेल नहीं है जो न्यूक्लियस के बिना जिंदा रह सकता है, समझे। हम सेल बायोलॉजी का जब स्टडी करेंगे तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि ऐसा कोई भी सेल नहीं है जो बहुत ज्यादा एक्टिव होगा और बहुत ज्यादा मतलब जिंदा रह सकता है। ऐसा कोई सेल नहीं है जो विदाउट माइटोकॉन्ड्रिया उसको एनर्जी मिले, बट ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है क्योंकि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या कह सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन भी यूज नहीं करता, ऑक्सीजन सिर्फ हमें देता है, उसमें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है ना, वो पकड़ के लेके जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, खुद तो कुछ नहीं ले रहा लेकिन बदले में बहुत कुछ देता है हमें। तो इसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज और कहानी है जो हम आगे वन बाय वन, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हमारे आगे के सेशन में हम सारी चीजों को स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए बेटा, ह्यूमन फिजियोलॉजी सिर्फ हमको रटना नहीं है, ह्यूमन फिजियोलॉजी हमें समझना है। यदि रटना रहेगा तो मैं एनसीईआरटी की 4 लाइन आपको पढ़ा दूंगा, सिलेबस 2 महीने में हमारा खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो, समझे, ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और वैसे सिर्फ हम एनसीईआरटी ही पढ़ते रहे घोटते रहे तो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 महीने लगते हैं, सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन बेटा कुछ पोर्शन ऐसा है हमारा जो एनसीईआरटी के साथ ही साथ कंसेप्ट समझ में आ गया ना तो बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए बेटा एनसीईआरटी से 2 से लेके 10% और 20% तक के हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, क्यों, वो इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ डेटा है वो हमें अच्छी तरह से समझे, तो उसको समझने के लिए थोड़ा सा हमको बियॉन्ड द एनसीईआरटी जाना जरूरी है, समझ गए। और कभी कभी कुछ क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लेते हैं, तो जो ट्विस्टिंग वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए समझने के लिए ये सारा पार्ट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप लोग अपने तरफ से जो एफर्ट दोगे वो देना बेटा एनसीईआरटी पर, क्योंकि 100% हमारे लिए जो मेन है वो एनसीईआरटी है। नंबर वन, एनसीईआरटी पढ़ के हो गई आपकी तो ही आप दूसरे बुक को रिफर करें, अदरवाइज नहीं करें, समझे। मीन्स आपको क्या है, सबसे पहले तो क्लास लेक्चर के साथ एनसीईआरटी फॉलो करना है। ये दोनों होने के बाद मैंने आप लोगों को एक बुक सजेस्ट किया हूँ, परचेस कर लिए होंगे आपने, एमटीजी पब्लिकेशन का एक फिंगर टिप बुक आता है। वैसे तो आप एनसीईआरटी बेस्ड कोई भी बुक परचेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है ये सबसे अच्छा बुक है और मैक्सिमम स्टूडेंट इसी बुक को रिफर करते हैं। तो एमटीजी पब्लिकेशन का बुक जो है वो परचेस करो, मेरे क्लास के लेक्चर्स होने के बाद एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी होने के बाद वो जो एमटीजी का फिंगर टिप है, ठीक है, वो आप सॉल्व करो, समझ गए। हाँ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अच्छा है बेटा, ठीक है। फिर आपने फिंगर टिप सॉल्व कर लिए, फिर सॉल्व करने के बाद जो आपको मॉड्यूल दिए जा रहे हैं उस मॉड्यूल को पढ़ो, समझे, सफिशियंट है। क्योंकि आप ज्यादा अलग अलग बुक में जाओगे तो आप कंफ्यूज होंगे बेटा, ठीक है। तो आप कोई भी बुक उठाओ एनसीईआरटी बेस्ड जिसमें क्वेश्चंस रहेंगे उस क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। बहुत देर से चैट नहीं देखा, एक बार चैट देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, हर्षिता ने परचेस कर ली है, मंदर ने, अरियंत ली है। अरियंत का बेटा ज्यादा आइडिया नहीं है मुझे, यदि वो एनसीईआरटी बेस्ड है तो अच्छी बात है, बट अरियंत लाइन टू लाइन एनसीईआरटी कवर नहीं कराता है, ठीक है। तो फिंगर टिप तो लेना ही पड़ेगा बेटा यदि आपको अच्छा स्टडी करना है तो। आपने अपने मर्जी से कैसे ले लिए बेटा सारी चीजें, फिलहाल एनसीईआरटी एंड मॉड्यूल सही है, चलेगा बेटा। हाँ, फिंगर टिप जिसके पास है बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, वेरी गुड गुड प्रहलाद, आपका आंसर मिला था लार्ज एम्प्टी स्पेस, ग्रेट, चलो ओके बेटा। तो फाइनली आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने यहाँ पे क्या स्टडी किया बेटा, अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किए सबसे पहले तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस, ठीक है। अब हमारे बॉडी में कितना आरबीसी प्रेजेंट होता है, कितने काउंट्स प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे। तो आरबीसी के काउंट्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाए तो 5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर इतना दिया हुआ है, बट वेरी करता है बेटा मेल और फीमेल में। तो जाना तो हमको 100% एनसीईआरटी ही है, लेकिन फिर भी उसका एक अप्रोक्सीमेटली रेशियो हम देखें तो 4.5 से 5.5 इतना आप लोग याद रखिए, ठीक है। आरबीसी के जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 4.5 से लेके 5.5 पर क्यूबिक मिलीमीटर। इसी के साथ साथ हम डब्ल्यूबीसी पे आएंगे तो जो डब्ल्यूबीसी है ये 6,000 से 8,000 के आसपास होते हैं, मतलब इसके कंपैरिजन में इसके नंबर बहुत कम है। हाँ, प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स पे हम आते हैं तो प्लेटलेट्स के नंबर और हाई रहेंगे, और हाई रहेंगे मीन्स कैसे, तो यहाँ पे देखिए प्लेटलेट्स का जो नंबर है ये
ये 1.5 लाख से लेके 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर के आसपास होते हैं। समझ में आ गया? तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। मीन्स अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, काउंट्स देखेंगे। ओके, क्या देखेंगे हम लोग, काउंट्स। तो कितने यहाँ पे आरबीसी प्रेजेंट है, तो कितने नंबर में आरबीसी प्रेजेंट होता है, तो आरबीसी का नंबर यदि हम देखें तो यहाँ पे कितना, 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, ऐसा इसका यूनिट है, पर क्यूबिक एमएम। समझ गए? ये आरबीसी के काउंट से, ये याद रखना। एनसीईआरटी ने कितना दिया है, 5 से लेके 5.5 मिलियन। ठीक है, तो दोनों डेटा की तरह आता है एग्जाम में। 100% हमको एनसीईआरटी फॉलो करना है, तो ये 4.5 को हटा देना, क्या याद रखेंगे, 5। समझ गए? फिर आते हैं हम लोग डब्ल्यूबीसी में। तो डब्ल्यूबीसी के यदि हम काउंट्स देखें तो डब्ल्यूबीसी का काउंट्स जो है कितना होता है, तो 6000 से लेके 8000 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर। एंड आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स जो है ये 1.5 से लेके 3.5 लाख, ओके, इतना जो है प्लेटलेट्स के काउंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो अब ये देखो, ये जो नॉर्मल काउंट है, अब क्या होता है बेटा, ये एक हेल्दी पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन किसी पर्सन को कोई डिसीज हो गया है, तो डिसीज होने की वजह से ये जो काउंट्स है या तो अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाएंगे या फिर नॉर्मल रेंज से कम हो जाएंगे। तो आप देखना, कोई भी डिसीज में हम लोग अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वहां पे हम लोग सीबीसी काउंट्स करते हैं बेटा। ठीक है, अब थोड़ा सा मेडिकल से रिलेटेड है तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए ना, मेडिकल का भी टर्म। तो देखिए वहां पे जो सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट, तो कंप्लीट ब्लड टेस्ट काउंट जो होता है यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, हम लोग ये जो ब्लड सेल्स है ना, इसके कितने काउंट्स है, नॉर्मल रेंज से कम हुए हैं या फिर ज्यादा हुए हैं, उसे हम चेक करते हैं। आप देखना, यदि किसी का ब्लड रिपोर्ट आया होगा, देखे होंगे, तो उसमें देखो आपको न्यूट्रोफिल, उसमें इओसिनोफिल, उसमें आरबीसी, उसमें डब्ल्यूबीसी, इसके काउंट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, आपने कभी देखे होंगे तो, और नहीं देखे होंगे तो अभी आप ये लेक्चर्स के बाद आज देखना, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है और किसके काउंट्स बढ़ने या कम होने से क्या रीजन हो सकता है, वो अब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा, यहाँ पे आरबीसी की हम बात कर रहे हैं, तो आरबीसी के नॉर्मल काउंट तो ये है, लेकिन जब इसका नंबर यदि इंक्रीज हो जाए, ठीक है, जो काउंट से नॉर्मल रेंज से यदि मान लो इसका नंबर सपोज इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज, अब देखो नंबर इंक्रीज जो होगा आरबीसी का भी हो सकता है, डब्ल्यूबीसी का भी हो सकता है और प्लेटलेट्स का भी हो सकता है। तो यहां पे देखिए, आरबीसी के नंबर इंक्रीज हो गए तो इसके लिए पॉलीसाइथेमिया टर्म यूज होता है, बाकी इन दोनों के लिए टर्म थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ये एकदम सिंपल है। पॉली मतलब बहुत सारे, और साइथेमिया ये टर्म यूज होता है बेटा जब आरबीसी के नंबर जो है इंक्रीज हो जाते हैं तब। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, तो इसके लिए टर्म क्या, ल्यूकोसाइटोसिस या फिर ल्यूकेमिया, आपने सुने होंगे ना, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो ब्लड कैंसर के लिए जो टर्म यूज होता है वो ल्यूकेमिया होता है। क्यों होता है बेटा, वो डब्ल्यूबीसी के काउंट्स बढ़ गए। समझ गए? इसके बाद क्या आता है बेटा, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो थ्रोम्बोसाइट्स की हम बात करें तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो पहले तो हम लोग ये वाला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो नंबर जब इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीसाइथेमिया। समझ में आ गया? ये जो है ये क्या है, ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक है, एक साइटोपिनिया होता है बेटा, साइटोपिनिया मतलब जब नंबर डिक्रीज होते हैं, पर यहाँ पे ल्यूकोसाइटोसिस, ये याद रखना बेटा। ठीक है, मैं इस वे में इसलिए बता रहा हूं था कि आपको याद हो जाए। ठीक है, कोशिश करो कि सारी चीजें क्लास में ही याद हो जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। रनिंग नोट्स बनाते रहो, ठीक है, जहां लगता है स्क्रीनशॉट लेते रहो, लेकिन स्क्रीनशॉट आप क्लास में लोगे तो अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपका ध्यान फिर स्क्रीनशॉट लेने पर ही रहेगा। समझे? तो फोकस करो 100% अंडरस्टैंडिंग पे, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए?
तो अभी हम लोगों ने क्या देखे, पॉलीसाइथेमिया देखे, अभी नेक्स्ट क्या आता है, ल्यूकोसाइटोसिस, और यहां पे टर्म जो यूज होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। तो ये जो है नंबर जब इंक्रीज होते हैं तो इंक्रीज हुए नंबर के लिए कुछ मेडिकल टर्म यहाँ पे यूज होता है, क्योंकि हम ये नहीं बोलेंगे अरे भैया आरबीसी के नंबर बढ़ गए बढ़ गए बढ़ गए, ऐसे मेडिकल रिपोर्ट दोगे क्या, नहीं दोगे ना। तो यहाँ पे हमको मेडिकल लेवल पे बात करना पड़ेगा। तो आप लोगों की भी अभी से हैबिट बेटा बायोलॉजी वाली हो जाना चाहिए। घर पे आप जो भी बातें कर रहे हो ना तो वहां पे बायोलॉजी को घुसाओ, फील करो जस्ट लाइक एज अ डॉक्टर। अभी से आप फील करोगे तो रियल में आप वहां पे पहुंच जाओगे, समझे। क्योंकि हम जो सोचते हो है, जैसा हमारा बिहेवियर होता है वैसा हमारा जो है वो क्या होता है, सक्सेस होती है। वेरी गुड बेटा पार्थ, हाँ गुड। अब ये तो नंबर हो गए इंक्रीज, अब इसके बाद क्या आएगा बेटा, नंबर जब डिक्रीज होते हैं। तो अब नंबर जब डिक्रीज होंगे तो क्या होगा, तो देखिए इसमें कॉमन टर्म याद रखना, पीनिया, ठीक है। वेरी गुड बेटा पार्थ, पीनिया। तो यहां पे पीनिया मतलब क्या हो गया बेटा, कम होना। पीनिया 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 तीनों जगह आएगा, लेकिन पीनिया के सामने हमको कुछ टर्म वहां पे यूज करना पड़ेगा, तब जाके ही हमें वो सारी चीजें समझेंगी। जैसे कि आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहते हैं तो उसको इरिथ्रोसाइटोपीनिया ऐसा कहेंगे, पॉली नहीं कहेंगे, पॉली मतलब बढ़ रहा है बेटा, इरिथ्रोसाइटोपीनिया ऐसा टर्म यूज होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ल्यूकोसाइटोपीनिया हो जाएगा, समझ में आ गया। और इधर जो है वो क्या हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया, इससे ल्यूकेमिया कहते हैं तो ल्यूकोपीनिया भी कह सकते हैं, समझ में आ गया। ये कुछ टर्म है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके। चलो तो पहली चीज तो एरिथ्रोसाइटोपीनिया जो हो गया हमारा आरबीसी के नंबर, ये लिख देते हैं एरिथ्रोसाइटोपीनिया। फिर यहां पे ल्यूकोसाइटोपीनिया, ये सब एक साथ आएगा बेटा, अलग अलग नहीं आएगा। और यहां पे क्या आ जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया। तो ये हो गए नंबर जब डिक्रीज होते हैं तो उसके लिए। हाँ, जब हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पॉलीसाइथेमिया होता है बेटा, हाँ आरबीसी का नंबर इंक्रीज हो जाता है, समझ में आ गया। तो ये कुछ टर्म है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इतने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, नहीं तो फिर हम आगे इसी के आगे के पार्ट में हम चलते हैं, ओके। क्लियर है बेटा सभी का, ओके चलो। तो ये सब हटा दूं मैं, अभी आगे बढ़े। रिपीट वन, विजय बेटा कौन सा पार्ट रिपीट करना है, इतना स्लो पढ़ा रहा हूं मैं। देखो यहाँ पे हमने आरबीसी देखे जिसका न्यूक्लियस देखे, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी में होता है, प्लेटलेट्स में नहीं होता। हमने यहाँ पे काउंट्स देखे, यहाँ पे आरबीसी के काउंट्स कितने हैं, 4.5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, यहाँ पे 6000 टू 8000, ठीक है, पर क्यूबिक मिलीमीटर, और यहाँ पे 1.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास जो है प्लेटलेट्स होते हैं। नंबर इंक्रीज हो जाएगा आरबीसी का पॉलीसाइथेमिया कहलाता है, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइटोसिस, और इसी को क्या कहते हैं, इसी को नहीं, इसका एक और टर्म है। जब डब्ल्यूबीसी दो तरीके से बढ़ता है बेटा, एक पैथोजन का इन्फेक्शन हो जाए तो वो ल्यूकोसाइटोसिस होता है जब बढ़ रहा है तो, और कैंसर हो जाए ब्लड कैंसर तो उससे ल्यूकेमिया कहते हैं, और ये हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स के नंबर बढ़ेंगे तो। आरबीसी का नंबर कम होगा तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी का नंबर कम होगा तो ल्यूकोसाइटोपिनिया हो जाएगा, और प्लेटलेट्स का नंबर कम होगा तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा, समझ गए। इसके पहले का जो मेन टर्म है वो हमें याद रखना है, तब जाके हम सारी चीजें याद रख पाएंगे। मेन टर्म मतलब आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी के फॉर्मेशन को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, आरबीसी के नंबर बढ़ रहे हैं तो पॉलीसाइथेमिया कहते हैं, आरबीसी के नंबर कम हो रहे तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसके फॉर्मेशन को ल्यूकोपोएसिस कहते हैं, यहाँ पे इसका नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ल्यूकोसाइटोसिस कहेंगे, इसका नंबर डिक्रीज हो रहा है तो इसको ल्यूकोसाइटोपीनिया कहेंगे, ऐसे याद रखना है बेटा, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे, किसी को स्क्रीनशॉट तो नहीं लेना है। विजय बेटा समझ में आ गया अभी, चलो। हाँ देखिए बेटा, पॉलीसाइटोमिया मीन्स अल्टीट्यूड सिकनेस नहीं होता है, ठीक है, स्प्लीन वाला पार्ट अभी हम पहुंचने वाले हैं, ठीक है, वन बाय वन हम समझेंगे, डायरेक्ट हम बहुत आगे नहीं जाएंगे। तो अभी देखिए बेटा, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो देखे, इसी के आगे और भी कुछ कंसेप्ट हम लोगों को समझना है,
तो कुछ कंसेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी तक क्लियर कर लिए हैं, तो इसके बाद अभी नेक्स्ट पार्ट जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसमें अब हम इसके साइज पे आते हैं, इसके हम लोग शेप पे आते हैं, कितना साइज होता है आरबीसी का, कैसे आरबीसी दिखता है, साथ ही साथ ये कितने दिन जिंदा रहेगा, लाइफ स्पैन हम देखेंगे। ठीक है, यदि आरबीसी आज बना तो ऐसा थोड़ी कि लाइफ लॉन्ग रहेगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल का बर्थ हुआ है तो प्रोसीड होगा और उसके बाद उसकी डेथ भी होती है। तो बर्थ से लेके डेथ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है लाइफ स्पैन। तो ये लाइफ स्पैन क्या होता है ये भी देखेंगे। किसी का कॉल आ रहा है, आप में से कोई है क्या बेटा? ओके चलो ठीक है, समझ में आ गया, देखते हैं जो भी होगा। हाँ तो अभी यहाँ पे देखिए, हम लोग सबसे पहले साइज की बात करते हैं। ठीक है, अब ये थोड़ा सा यदि आपसे डाइजेस्ट हो सकता है, याद रहता है तो अच्छी बात है, याद कर सकते हो बेटा, हेल्प मिलेंगी। तो देखो साइज, शेप, ठीक है, और लाइफ स्पैन, ये तीन एडिशनल टर्म है। ये हमारे एनसीईआरटी में लाइफ स्पैन जो है सिर्फ आरबीसी का बताया हुआ है। ठीक है, तो बाकी उसके साथ साथ बेटा इनके कितने होते, हो सकता है मे भी इसका दिया है तो इधर के भी क्वेश्चंस पूछ ले। ओके चलो, तो फर्स्टली यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका आरबीसी का लाइफ स्पैन। यदि हम देखें तो आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है, सबसे पहले हम यही देख रहे हैं, ठीक है, कितना होता है, 120 डेज होता है। कितना होगा, 120 डेज, मतलब आरबीसी का आज बर्थ हुआ है, ठीक है, तो आज बर्थ होने के बाद आज से लेके 120 दिन, आज का ही ये जो टाइम है, यदि सपोज अभी यहाँ पे सपोज 11:30 AM हो रहा है, तो 120 दिन जब हो जाएंगे और 11:30 AM जब होगा उस टाइम पे आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, समझे, उसका लाइफ लाइन ही उतना होता है। 4 मंथ कौन बोल रहा है यार, किसने बताया 4 मंथ? ओके समझ में आ गया। तो ये होता है बेटा 120 डेज आरबीसी का लाइफ स्पैन। डब्ल्यूबीसी बेटा, इसके कंपैरिजन में देखो, ये आप 12 याद रख लो, 12 12 से लेके 16 डेज जो है, बट ये वेरी करता है, ठीक है, ये फिक्स नंबर नहीं है, एनसीईआरटी ने हमें डेटा ये नहीं बताया है, तो अलग अलग रेफरेंसेस बुक यूज करोगे डिफरेंट मिलेगा। किसी इसमें आपको 8 डेज से लेकर के आपको 10 डेज तक के या 12 डेज तक के मिल सकता है, किसी में 1 से 2 वीक मिल सकता है। तो नॉर्मल हम एक स्टैंडर्ड डेटा यदि पकड़ के चले तो अप्रोक्सीमेटली बेटा डब्ल्यूबीसी का यदि हम डेज देखे तो ये कितना होगा, 12 से लेके 16 दिन के आसपास जो है ये रह सकता है, या फिर ये इसको और यदि बढ़ा ले तो आप इसको 12 to 20 डेज याद रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसके बीच में यदि क्वेश्चन आया तो आप बता सकते हो। प्लेटलेट्स बेटा ज्यादा लंबा नहीं रहता, ये जितना है या ये जितना है उसी के जस्ट आसपास जो है इसका लाइफ स्पैन होता है, मीन्स बहुत कम, 2 से लेके 3 दिन तक के ही ये जिंदा रहता है, उसके बाद खत्म काम। तो प्लेटलेट्स, इसलिए तो इसके नंबर देखो ना, हमने देखे ना 1.5 लाख से 3.5 लाख है इसके, क्या है, ये तो कम ही है, ज्यादा जिंदा जिंदा रहता है, कम है तो खेल हो जाता है, इसके जो है बहुत ज्यादा नंबर है, दिन बहुत कम है, समझ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये हो गया क्या चीज बेटा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का लाइफ स्पैन। इसके बाद हम आते हैं सेप पर। तो आरबीसी जो है ये बाइकॉनकेव शेप में होती है, डब्ल्यूबीसी इरेगुलर होता है, और प्लेटलेट जो है ये बाइकॉन्वेक्स होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बाइकॉनकेव, बाइकॉन्वेक्स, या फिर इसे डिस्कॉइड भी कहते हैं, कैसा, डिस्कॉइड। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कैसे होता है, तो आप देखना आरबीसी जो है आपको ऐसे राउंडेड, ऐसा आरबीसी नहीं मिलेगा बेटा, ठीक है, आरबीसी जो है आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, समझ में आ गया। ये तो इरेगुलर है, इसका कोई साइज ही नहीं होगा, बट ये बाई कॉन्वेक्स होता है, ये प्लेटलेट्स आप देखोगे तो ये ऐसे मिलेंगे, ठीक है। तो हमारे ब्लड में जो है, हाँ, अमीबॉइड स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, इरेगुलर है ना, इरेगुलर मीन्स ये कैसा भी हो सकता है, ऐसा, समझ में आ गया। तो ये हो गया डब्ल्यूबीसी, ये हो गया आरबीसी, और ये हो गया प्लेटलेट्स, ये इसके शेप हो गए। अब साइज पे आते हैं हम लोग, तो साइज की यदि हम बात करें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स इसके साइज माइक्रोस्कोपिक रहेंगे, ऐसे तो हमको दिख नहीं रहा बेटा,
माइक्रोन में ही रहेगा, 12 माइक्रोन के आसपास, 0.7 माइक्रोन के आसपास, ऐसे इसके जो है नंबर्स रहेंगे। किसी का चैट आया है क्या? ट्राइंग टू ज्वाइन, कौन बेटा क्लास ज्वाइन, सी इज ट्राइंग टू ज्वाइन क्लास, कौन है? हेलो खुशी डांडे, जस्ट वेट, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे बेटा। सिकल सेल एनीमिया जो है ये रिलेटेड नहीं है, ओके? सिकल सेल एनीमिया रिलेटेड नहीं है, पढ़ेंगे हम लोग। एनीमिया के तीन टाइप देखेंगे, परनेसियस एनीमिया देखेंगे, सिकल सेल एनीमिया देखेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया देखेंगे, ओके? माइक्रोसाइटिक एनीमिया भी होता है, आयरन का डेफिशियंसी हो जाए तो वो भी हम देखेंगे। तो अभी आपको लाइफ स्पैम और सैम समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। हेलो, लाइफ स्पैन एंड सैम, एवरीथिंग इज क्लियर? वेरी गुड। अब हम लोग आते हैं बेटा आरबीसी के साइज पर। तो आरबीसी का साइज 6 से लेकर 8 माइक्रोन, किसी किसी इसमें 7 माइक्रोन दिया है, तो इसलिए मैं आपको 6 से लेकर 8 माइक्रोन बता रहा हूं, ठीक है? हमारे एनसीईआरटी में जो चीज डेटा स्टैंडर्ड नहीं दिया ना, तो हम उसके अप्रोक्सीमेटली रेशियो में चलेंगे। 2 से 3 रेफरेंस बुक हम लेंगे और उसमें हम समझेंगे, ठीक है? तो इसमें बेटा बहुत टेंशन नहीं लेना साइज को लेकर के, समझे? ये साइज को लेकर के टेंशन नहीं लेना। हमारे एनसीईआरटी में दिया तो वो याद कर लो, नहीं दिया है तो वो अप्रोक्सीमेटली उसके रिलेटेड है, थोड़ा सा माइंड में रखो कि गलती से यदि एग्जाम में क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछ लिया, उसके साथ उसके बाजू वाले का पूछ लिया, तो हमें आना चाहिए, समझ गया? तो 6 से लेकर 8 माइक्रोमीटर जो है वो क्या होता है, ये आरबीसी का साइज होता है। 12 से लेकर 17 माइक्रोमीटर जो होगा ये डब्ल्यूबीसी का साइज हो जाएगा, और बच्चा 2 से लेकर 3 माइक्रोमीटर ये हो गया बेटा प्लेटलेट का साइज। जब किसी का डाउट है आरबीसी का लाइफ स्पेन रिपीट करो बेटा। आरबीसी का लाइफ स्पेन मतलब 120 डेज, ये क्या रिपीट करना है? आरबीसी यदि आज फॉर्म हुआ, प्रोडक्शन हुआ, तो 120 दिन के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है? मर जाती है, ठीक है? कहां पे होती है? स्प्लीन में होती है। थोड़ी देर के बाद मैं वो थोड़ा सा एडिशनल पार्ट बता रहा हूं मैं। अभी आप सिर्फ ये याद रखो कि कोई यदि सेल्स का बर्थ हुआ है तो एक टाइम ड्यूरेशन के साथ प्रोसीड होगा, और उसके बाद फिर क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा, समझे? तो आरबीसी का जो टाइम ड्यूरेशन है काम करने का वो कितना है, तो वो है 120 दिन। तो ये इसका क्या हो गया, लाइफ स्पैन हो गया। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलो आगे बढ़े बेटा। भी और कुछ किसी का कुछ डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये कुछ कंसेप्ट थे बेटा, इस तरह से फ्लो चार्ट में मैंने आपको कंपैरिजन में पढ़ाया, ठीक है? इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से ये याद होगा, नहीं तो मैं पहले आरबीसी पढ़ाता फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। कुछ और एडिशनल कंसेप्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है? कहाँ फॉर्म होता है, कैसे फॉर्म होता है, चलो सभी का तो एवरीथिंग इज क्लियर है, ठीक है? चलो तो सब क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अभी देखिए बेटा यहाँ पे किसी का डाउट आ रहा है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है? सर वो सबके नंबर होते हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं, इनके कॉज? हाँ बेटा देखिए, अभी हम वो भी देख रहे हैं। देखिए कभी भी कोई भी सेल्स के नंबर इंक्रीज या डिक्रीज कब होंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आरबीसी या डब्ल्यूबीसी की हम बात करें, ठीक है? तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जैसे कि सपोज हमारे बॉडी में किसी ना किसी पैथोजन या पैरासाइट का जब इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होगा, हमारे जो बॉडी है उसमें पैथोजन गया तो हमारी जो सेल्स है कोई ना कोई उसके साथ फाइट करेंगी। तो बेटा हमारा ब्लड सबसे पहले लड़ाई करने के लिए आता है उनसे, क्योंकि ब्लड में जो प्लाज्मा है, ब्लड में जो सेल्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, वो फाइट करेंगे। अब फाइट करेंगे तो बैक्टीरिया जैसे जा रहा है तो बेटा वो रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, तो जब उसके नंबर 10 हो गए तो हमारे सेल्स में 5 है, तो अपने 5 सेल्स को भी डबल करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, तो 5 to 10, तो इमीडिएटली नंबर बढ़ गया, देखो तभी तो उसको मार पाएगा ना। तो इस तरह से नंबर इंक्रीज हो जाते हैं,
ठीक है, ब्लड लॉस हो गया, यदि कुछ टिश्यू डैमेज हो गया और ब्लड पूरा ब्लीडिंग हो गई तो नंबर कम हो सकते हैं बेटा। तो बहुत सारे रीजन होते हैं वैसे नंबर इंक्रीज और डिक्रीज होने के, बट रिलेटेड टू डिसीज देखें तो हम स्पेशली यहाँ पे डब्ल्यूबीसी के काउंट्स को हम देखेंगे। आरबीसी के नंबर डिक्रीज और इंक्रीज का यदि हम रीजन देखें तो आरबीसी का नंबर डिक्रीज कब होगा बेटा, जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जब हम प्रॉपरली विटामिन B12 और B9 विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाता है हमारे बॉडी में, समझ रहे हो? ठीक है, आयरन का डेफिशिएंसी यदि हो जाए तो भी हमारे आरबीसी के अकाउंट्स कम हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा ना प्रॉपरली आरबीसी का, क्योंकि आपको मालूम है कि 120 दिन के बाद एक आरबीसी का डेथ होगा तो वहां पे चार नई आरबीसी बनना चाहिए, और चार नई आरबीसी को बनाने के लिए हमें ऐसा फूड चाहिए जो आरबीसी को बनाता है। शुगर बीट हो गया बेटा, ठीक है, पालक हो गई, ऐसी चीजें खाना चाहिए हम लोगों ने, फिर समझे? तो जिससे हमारा आरबीसी का प्रोडक्शन हो, कर्ड जिसमें बेटा विटामिन B12 होता है, तो कर्ड हम लोगों ने लेना चाहिए, समझे? डेली अपने डाइट में कर्ड यदि लेते हो तो आपको आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए? तो ये सारी चीजें जो है इंपॉर्टेंट होती है। ऐसे हम लोग डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो डब्ल्यूबीसी जो है उसके भी बारे में भी थोड़ा सा हम और डिटेल में समझ रहे हैं। तो सबसे पहले काम करते हैं सिंथेसिस जो होता है, इरिथ्रोपोइसिस जो होता है वो कहाँ कैसे होता है वो हम समझते हैं, और कहाँ जाके डिस्ट्रॉय होता है वो समझते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हमारे और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा? चलो आगे जाते हैं। हाँ, कैरोट वगैरह भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये जो सारे कंसेप्ट जो देखे, तो अभी देखिए सबसे पहले तो बेटा हम लोग यहाँ पे अब एरिथ्रोपोइसिस समझेंगे। अब एरिथ्रोपोइसिस की यदि हम बात करें तो अब मुझे ये बताओ बेटा, एरिथ्रोपोइसिस मींस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी को कहते हैं। अब आरबीसी का जो फॉर्मेशन यदि हम कहें तो आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पर होता है, तो आरबीसी के फॉर्मेशन की साइट जो होती है ये होता है बोन मेरो। अब बोन मेरो की यदि हम बात करें तो बोन मेरो जो है इस तरह से यहाँ पे बोन का हम डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज ये बोन है और बोन मेरो में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? क्या चीज? बोन मेरो में स्पेशल टाइप का सेल्स प्रेजेंट होता है, इसे कहते हैं स्टेम सेल। और स्टेम सेल में कैपेसिटी होती है वो बहुत फास्टली माइटोसिस कर सकता है, और माइटोसिस करने के बाद ये एक बोन मेरो है तो ये अपने साथ ऐसे बहुत सारे बोन मेरो या उसी के साथ बहुत सारी न्यू सेल्स भी बना सकता है, और उसमें से एक सेल बोन मेरो कन्वर्ट हो जाएगी, बाकी जो हमारे आरबीसी बनाती है। तो इस बोन मेरो को जस्ट लाइक जैसा हाउस हम समझ सकते हैं, फैक्ट्री, ब्लड बनाने का फैक्ट्री, यहाँ पे स्टेम सेल है, ये क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे जब माइटोसिस होगा बोन मेरो में, तो बोन मेरो में जो माइटोसिस हो रहा है तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये जो सेल्स है, ठीक है, माइटोसिस करके जो डिवाइड होती है, माइटोसिस क्या होता है बेटा, सेल डिवीजन का एक टाइप होता है। तो जब मैं आपको सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा तो उसमें मियोसिस और माइटोसिस पढ़ाऊंगा, इसमें आप सिंपल ये याद रखो कि सेल डिवाइड हो रही है, वन पेरेंटल सेल टू डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये जो बोन मेरो है एक सिंगल है, ये डिवाइड होके अपने दो सेल बना लिया इसने। जब ये टू सेल्स यहाँ पे फॉर्म हुआ तो यहाँ पे देखिए कंटिन्यूअसली माइटोसिस किया, तो ये जो सेल्स है इसे एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? इसे एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स है बेटा इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, समझ गए? ये एरिथ्रोब्लास्ट जो है इसमें क्या चीज, न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है, समझ गए? अब यहाँ पे ये इमेच्योर आरबीसी, ये मैच्योर आरबीसी नहीं बेटा, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा, इमेच्योर है इसलिए आपको राउंडेड दिख रहा है, स्पेरिकल दिख रहा है, न्यूक्लियस भी इसमें दिखाई दे रहा है। अब इसको मैच्योर करना है बेटा, तो मैच्योर करने के लिए बेटा हमारी इधर साइड किडनी है। अब किडनी से एक हार्मोन आता है, हार्मोन का नाम क्या है? एरिथ्रोपोइटिन। अब एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन आया, साथ ही साथ बेटा हम लोगों ने यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का स्टडी किए हैं, याद आ रहा ना? तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प से इधर विटामिन B12 और विटामिन B9 आते हैं, समझ में आ गया? तो अभी विटामिन B12 और विटामिन B9 जो है और एरिथ्रोपोइटिन, ये दोनों मिलके आरबीसी का जो एरिथ्रोब्लास्ट है इसको कंप्लीटली क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा। तो कंप्लीट सिंथेसाइज मीन अब ये एरिथ्रोब्लास्ट जो है वो किसमें, एरिथ्रोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइम पे क्या होता है, ये इसका न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देता है, न्यूक्लियस लॉस्ट हुआ तो अभी आरबीसी जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा, और इसमें बेटा रेड कलर का पिगमेंट भी रहेगा,
हीमोग्लोबिन। तो ये हमारा एक मैच्योर आरबीसी जो है ये प्रोड्यूस हो गया। तो कहां पे फॉर्म हो रहा है बेटा? बोन मेरो में होता है। अब बोन मेरो से फिर हमारा ब्लड जो इस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। तो बोन मेरो में आरबीसी का सिंथेसिस जो है इस तरह से होता है, मींस जब मैचुरेशन होता है तो यहां पे क्या हो गया बेटा, लॉस्ट किया इसने अपना न्यूक्लियस, लॉस्ट हो गया न्यूक्लियस, समझ में आ गया। अब यहां पे अब ये जो आरबीसी है ये कहां, ये हमारी ये ब्लड वेसल्स है, इस ब्लड वेसल्स में आ गई और ब्लड वेसल्स की हेल्प से मूव करेंगी, मूव करके पहुंचती है अलग अलग जगह पे, ब्लड कैपिलरीज की हेल्प से एक टिश्यूज के पास जाएगा, फाइनली लास्ट में पहुंचेगा स्प्लीन में, समझ में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे ये मूवमेंट हो रहा है, ऐसा सिंथेसिस हुआ, सिंथेसिस होने के बाद फिर ये इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अभी किसी का चैट आया देख लेते हैं एक और बार, आर्यन क्या बोल रहे बेटा, कैन वी मेक क्लोन विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल? हाँ बेटा वो बट इलीगल है, हो सकता है बट वो इलीगल प्रोसेस है, बहुत सारे इसमें इथिक्स आते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में बेटा इसके क्लोन से रिलेटेड पढ़ेंगे, है आपको ये वाला पोर्शन सिलेबस में थोड़ा बहुत है वो हम देखेंगे। ये प्रोसेस एक बार मैं रिपीट करता हूँ यदि किसी को नहीं समझा होगा तो। देखिए बेटा हम लोग एरिथ्रोपोइसिस देख रहे हैं, एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। अब आरबीसी का फॉर्मेशन जो है कहां पर होता है, तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मेरो में होता है। बोन मेरो में जो आरबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है तो बोन मेरो में कहां हो रहा था, बोन मेरो में एक स्पेशल टाइप का सेल्स होता है जिसे स्टेम सेल कहते हैं। अब ये स्टेम सेल लगातार कंटिन्यूअसली माइटोसिस करते रहता है और अपने नंबर को बढ़ाते रहता है। तो कंटिन्यूअसली माइटोसिस किया तो सबसे पहले इसने माइटोसिस किया तो एरिथ्रोब्लास्ट बनता है जो कि इमेच्योर आरबीसी है जिसमें न्यूक्लियस होता है। फिर मैच्यूरेशन कैसे होगा बेटा, तो मैच्यूरेशन के लिए एरिथ्रोपोएटिन B12 B9 ये सब आया और आरबीसी मैच्योर हो गया। और आरबीसी जब मैच्योर होता है तो ये अपने न्यूक्लियस को क्या करता है बेटा, लॉस्ट कर देता है, लूज कर दिया न्यूक्लियस, आरबीसी बना ब्लड में गया देन ट्रांसपोर्ट होगा। समझ में आया बेटा, किसी का डाउट है रिस्पॉन्स करो। हाँ बेटा इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर आरबीसी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, क्लियर है स्वयं सर, आरबीसी डू नॉट हैव न्यूक्लियस बट हैव लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन। हाँ बेटा ये सबसे बड़ा एक्सेप्शन है, ठीक है स्वयं। हाँ बेटा खुशी, आस्था समझ में आ गया बेटा, हर्षिता समझ में आ गया आपको, चलो क्लियर हो गया, ऑल क्लियर है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। चलो तो इसी के बाद आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ यहां पे यदि हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी हुआ तो क्या होगा, हीमोग्लोबिन का डेफिशिएंसी होता है तो एनीमिया हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो दो विटामिन भी हमको दिख रहे हैं, एक B12 और B9, थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो रख लेना। B12 का यदि डेफिशिएंसी हुआ तो ये परनीशियस एनीमिया कहलाता है, विटामिन B9 का डेफिशिएंसी हुआ फॉलिक एसिड कहते हैं बेटा जिसे, ठीक है। तो B9 का डेफिशिएंसी हुआ तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए क्या चाहिए बताओ, कास्टल इंट्रेंसिक फैक्टर। पार्थ बेटा आपका मैसेज गलत साइड में आ रहा है, यदि कोई डाउट पूछोगे आप तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आप मैसेज को स्विच करो बेटा, चेंज करो मोड और दूसरे साइड करो, ठीक है। बहुत देर से आपका मैसेज आ रहा है, मैं रिस्पॉन्स तो कर रहा हूँ बट वो छोटे मैसेज तो दिख जाते हैं बट एक लॉन्ग मैसेज आया तो नहीं दिख पाएंगे, इसलिए चेंज कर दो। हाँ बेटा समझ में आ गया ये वाला पार्ट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे। अब यहाँ पे ये जो आरबीसी फॉर्म हुई है तो ये कैसे इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है और कैसे ये आगे बढ़ रही है ये हम समझेंगे। ओके चलो तो देखिए बेटा यहाँ पे अब जैसे कि सपोज आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ और ये ब्लड सेल्स है और इस ब्लड सेल्स में आरबीसी आ गई है, कैसा होता बेटा साहब ये, ऐसा क्या कहलाएगा ये, बाइकॉनकेव, समझ गए।
अब बायकॉनकेव शेप में है, अब आरबीसी जो है जब कन्वर्ट होती है, जब टिश्यू के पास जाएगा बेटा, तो आरबीसी इस तरह से छोटे छोटे कैपिलरीज में डिवाइड हो जाएंगी। तो अब बेटा मुझे बताओ, जब आरबीसी यहां से होके जब गुजरेगी इस तरह से, तो उसकी जो आउटर सेल मेम्ब्रेन है वो पतली, जब कैपिलरी से जाएगी तो छोटे इसमें घुसना पड़ेगा ना उसको, तो स्क्रेचेस आएंगे उसके बॉडी पर, उसकी सेल मेम्ब्रेन स्क्रेचेस आएंगे, मतलब सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएंगी, समझ गए? तो इस तरह से आरबीसी जब आगे बढ़ते जाएगी तो डैमेज होते जाएगी। डैमेज होने के बाद फिर फाइनली यहां पे एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे स्प्लीन कहते हैं, ठीक है? स्प्लीन पढ़े ना हम लोगों ने, कहां पर होता है स्प्लीन? हमारा जो स्टमक होता है ना, स्टमक, तो स्टमक के जस्ट बैक पोर्शन जो होता है उसके पीछे में स्प्लीन प्रेजेंट होता है। तो अब देखो ये आरबीसी ब्लड कैपिलरीज में गई, अब ब्लड कैपिलरी से जब यही आरबीसी, कौन सा कलर यूज करो यार, हाँ यही आरबीसी जब स्प्लीन में जाएगा तो ये और छोटा हो जाएगा इस तरह से, समझ गए? ये ऐसा और छोटा हो गया, जब और छोटा हो गया तो इसके बाद जब इसको और अंदर यहां पे जाना है तो उसकी जो मेम्ब्रेन और रप्चर हो जाएगी, पूरी घसा जाएगी, और फाइनली आरबीसी जो है यहां पे आने के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है, समझ गए? मतलब आरबीसी जो डिस्ट्रॉय होती है वो कहां पे होती है? वो स्प्लीन में होती है, इसलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। पार्थ ने आंसर दिया था बेटा इसका पहले, ठीक है? क्या कहलाता है बेटा? स्प्लीन ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहलाता है। आरबीसी का जो ब्रेकडाउन और जो डिस्ट्रॉय है यहां पर हो रहा है। अब जब आरबीसी ब्रेक हुआ बेटा तो इसमें हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट है, अब हीमोग्लोबिन भी टूटता है तो हीमोग्लोबिन अपना हीम पार्ट में अलग होता है और ग्लोबिन में अलग कन्वर्ट हो जाता है, फिर ये जो हीम जो होता है ये आगे चल के बाइल पिगमेंट फॉर्म करता है जो लीवर में जाएगा बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन के फॉर्म में, जो फिर आगे पास होता है, पढ़े ना हम लोगों ने, याद है? ठीक है। अब देखो कुछ आरबीसी यहां पे जब डिस्ट्रॉय हो गई, कुछ सारी नहीं होती बेटा, कुछ आरबीसी अच्छी भी रहती है, जो आरबीसी अच्छी रहती है ना तो स्प्लीन उसको स्टोर करके रख लेता है, तो इस तरह से स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहते हैं। कुछ आरबीसी स्प्लीन में स्टोर भी होती है, तो स्टोर हाउस ऑफ आरबीसी स्प्लीन ही है, इसलिए से ब्लड बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का डिस्ट्रॉय स्प्लीन में ही हो रहा है इसलिए से ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं, समझ गए? फिर यहाँ पे हीमोग्लोबिन भी ब्रेक हो रहा है तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट जो होता है वो कहलाता है बाइल पिगमेंट, और बाइल पिगमेंट जो होते हैं बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, जो डायरेक्टली लीवर में जाता है और गॉल ब्लैडर के हेल्प से फाइनली डियोडेनम में पहुंच जाता है, समझ गए? तो ये पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया, ये वाला पोर्शन समझ में आएगा बेटा? किसी को कुछ पूछना है इसमें? तो इस तरह से आरबीसी का लाइफ स्पैन जो है वो 120 डेज होता है, ओके? अब ये वाला पोर्शन क्लियर हुआ होगा तो अब हम लोग डब्ल्यूबीसी पे आएंगे, ठीक है? आज का लेक्चर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू के दो लेक्चर तो हमारे इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स थे, ठीक है, बट ये लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगेन एंड अगेन 2 से 3 बार रिवाइज करके वीडियो देख लेना बेटा। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना, सिर्फ वीडियो के भरोसे पे नहीं रहना, क्योंकि कोइंसिडेंटली कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज आ जाए तो वीडियो डैमेज हो जाता है। कल एक्चुअली बैच 5 में मेरा क्लास चल रहा था, ठीक है, सारी रिकॉर्डिंग हुई, बहुत अच्छे से हुआ, एनिमेशन लिया, स्लाइड लिया, बोर्ड प्रेजेंटेशन लिया, नई नई स्टोरीज लिया, बहुत सारी चीजें लिया, ठीक है, और फाइनली हुआ क्या, एक लास्ट मोमेंट पे जाने के बाद जब वीडियो फाइनल कंप्लीट हुई और कन्वर्ट हुई तो लैपटॉप में पता नहीं कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया, और वो वीडियो जिस टाइम पे कन्वर्ट हो रही थी, क्योंकि देखो लेक्चर होने के बाद ना वीडियो कन्वर्ट भी होती है, तो वो जब कन्वर्ट हो रहा था ना तो लैपटॉप रिस्टार्ट हो गया। अब बताओ उसके बाद जब वीडियो कन्वर्ट हो गई, जब देखा तो वीडियो प्ले ही नहीं हो रही, सीधा लिख के आ रहा दिस वीडियो इज करप्टेड। तो यदि आप सिर्फ इस भरोसे पे बैठोगे कि नहीं हम तो वीडियो से देख लेंगे या रिवाइज कर लेंगे, तो इस गलत फहमी में कभी नहीं रहना, क्योंकि बेटा लाइव लेक्चर लाइव रहता है और लाइव हमको अटेंड करना है, उसकी वजह से आप में एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, नहीं तो आप सोचोगे हमें रिकॉर्डिंग तो मिल जाती है, हम रिकॉर्डिंग से देख लेंगे। तो देखो बेटा यदि मान लो आज बायोलॉजी का क्लास 10:30 को चल रहा है और आप 10:30 को ही बायोलॉजी का क्लास अटेंड कर रहे हो, तो 10:30 से 12 o'clock तक के बायोलॉजी का पर्टिकुलर वो टॉपिक आपका पढ़ के हो गया है,
बट यही चीज जो लोग रिकॉर्डिंग के भरोसे बैठे हैं वो आज नहीं पढ़ेंगे, वो 2 दिन के बाद उस रिकॉर्डिंग को पढ़ेंगे। अब मुझे ये बताओ, जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं 2 दिन के बाद, और आप लोग यदि अभी इस लेक्चर को, इस टॉपिक को कंप्लीट कर लिए, तो आप 2 दिन के बाद सेम यही पढ़ोगे क्या? नहीं, आप इसके आगे का पढ़ोगे। तो लाइफ में आपको हमेशा 2 दिन पहले का एडवांटेज मिलेगा, समझे? इसके ऊपर बेटा एक मेरा बहुत अच्छा एक थॉट, एक मोटिवेशन है जो आपको एग्जाम में काम में आएगा, याद रखना। यदि आज आप पढ़ रहे हो, रात बहुत हो चुकी है, पढ़ाई आपकी बहुत सारी करना बाकी है, और पढ़ते पढ़ते यदि आपको नींद आ गई और आप सो गए, तो याद रखना उस वक्त कोई एक पर्सन ऐसा है जो पढ़ रहा होगा, और जिस दिन वो आपसे मिला वो आपसे आगे बढ़ जाएगा, समझे? जैसे कि मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ते पढ़ते ये टॉपिक पढ़ना था, मुझे नींद आ गई, मैं सो गया, लेकिन कोई और पर्सन इसे पढ़ रहा है, ठीक है? और जिस दिन वो आपसे मिला, कब मिलेगा बेटा? नीट 2022 में। तो आज उसने ये पढ़ा था, बट आज आप सो गए, और वो आपसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि वो आपसे उतने टाइम से आगे बढ़ गया है, समझे? ये चीज, ये सब अभी बोलने में आपको समझ में नहीं आएंगे, आप फील नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये सारी चीजें बेटा आपने बहुत से टीचर से सुने भी होंगे, ठीक है, पेरेंट्स से भी सुने होंगे, कि टाइम की जो वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। ये हमें अभी नहीं समझता बेटा, आपको ऐसा लगता क्या है, आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे ना, क्या जा रहा है, 4 दिन बाद पढ़ लेंगे, बेटा ऐसा नहीं होता है। जब वो जब बीतती है ना, अपने ऊपर जब आती है वो चीज, तब रियलाइज होता है कि यार हमारा टाइम कहां पर वेस्ट हुआ, ठीक है? तो ये चीज आप लोग याद रखो, उम्मीद करता हूँ बेटा, ठीक है? हाँ, वेरी गुड बेटा, लाइक टर्टल्स एंड रैबिट की स्टोरीज जो है सुने होंगे आपने, हाँ, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टाइम को वैल्यूएबल समझो, ठीक है? यदि आप आज क्लास कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा है, तो आपको हमेशा एक दिन पहले का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, और आरबीसी तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है? आरबीसी डेड होते हैं तो वो कहाँ जाते हैं? आरबीसी डेड होते तो बेटा ये डिस्ट्रॉय हो गया ना, ठीक है? अब डेड आरबीसी हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएंगे, डेड आरबीसी भी देखो कहाँ जाता है हमारा, ये जाता है हमारे लीवर में। अच्छा क्वेश्चन है, आरबीसी डेड होते तो ये डायरेक्टली कहाँ पहुंचा बेटा? हमारे ये लीवर में पहुंच गए, ठीक है? अब लीवर में जाने के बाद बेटा यहाँ पे एक सेल्स प्रेजेंट थी, कफर सेल, ये फैगोसाइटिक सेल है, तो ये क्या करेगा बेटा? स्प्लीन से लीवर में गए, फैगोसाइटिक सेल जो कफर सेल उसको पकड़ के खा जाएगी, ठीक है? बाकी जो बचा उसको उठा के कहां भेज देगी? वो बाकी पास कर देंगी कहां पर? यूरिन के थ्रू बाहर हो जाएगा, किडनी तक के पहुंच जाएगा, समझ गए बेटा? क्लीन हुआ, वेरी गुड। चलो अब हम लोग यहाँ पे WBC क्या होता है, इसके क्या टाइप्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, आरबीसी हम लोगों ने पढ़े, तो आरबीसी में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आरबीसी रेड दिखती है। लेकिन इसमें भी एक कंसेप्ट आता है बेटा, एक सिंगल आरबीसी रहा तो ये थोड़ा सा येलो टाइप का दिखेगा, लेकिन ये ग्रुप ऑफ आरबीसी जब रहा तो ये रेड कलर का दिखता है, ये याद रखना बेटा, एक कंसेप्ट है छोटा सा, ये मालूम होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे WBC पढ़ लेते हैं, ठीक है? WBC जान लेते हैं आज, फिर इसके बाद मैं आपको PDF से एक एक पार्ट जो है शेयर करूंगा, और PDF का एक एक जो कंसेप्ट है वो हम देख लेंगे फिर, ठीक है? तो फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे बेटा WBC। तो जैसे कि बेटा RBC रेड कलर का होता है, WBC कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, समझ गए? जैसे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है? लेकिन अब यहां पे जो न्यूक्लियस है बेटा, ये ग्रेन्यूल्स के समान दिखता है बेटा, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, जैसे ये सेल्स है, सेल्स के अंदर कुछ ऐसे ग्रेन्यूल्स के समान न्यूक्लियस दिखेगा, और कुछ सेल्स है उसमें कुछ न्यूक्लियस इस तरह से दिखेगा। तो किसी किसी इसमें जो ग्रेन्यूल समझते हैं ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स के समान यदि न्यूक्लियस है, तो इसके बेसिस पे WBC को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, ठीक है? WBC मीन्स ल्यूकोसाइट, और ल्यूकोसाइट के यहाँ पे 2 टाइप आते हैं, एक आता है ग्रेनुलोसाइट, समझ में आ गया? जिसके, क्योंकि देखो ये यदि WBC है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इसके जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में
ग्रेन्यूल्स ऐसे पार्टिकल्स यदि प्रेजेंट है तो ऐसे डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स देखने को मिलेंगे, ये इसे कहते हैं ग्रेन्यूलोसाइट्स, और जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं मिलेंगे ये गायब हो गए। तो जब ग्रेन्यूल्स नहीं रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे, अग्रेन्यूलोसाइट्स। ऐसे दो टाइप हो गया। तो एक हो गया ग्रेन्यूलोसाइट्स, एक हो गया अग्रेन्यूलोसाइट्स। अब ये कलरलेस होते हैं। अब कलरलेस है तो हमको देखना है तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा, कलर करना पड़ेगा, क्योंकि हमको माइक्रोस्कोप में देखना है ना, तो ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो उसको हमको कलर करना पड़ेगा। कलर करने के लिए कोई ना कोई स्टेनिंग या फिर डाई का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ग्रेन्यूलोसाइट जो है बेटा, हम यहाँ पे डाई का यूज करते हैं और डाई का यूज करके हम उस ग्रेन्यूलोसाइट को देखेंगे। तो हमारे पास जो है तीन टाइप की डाई आती है। एक जो है बेटा डाई एसिडिक डाई होता है, एक जो डाई होता है वो बेसिक डाई होता है, और एक जो है वो न्यूट्रल डाई होता है। ऐसे लिखेंगे ना, न्यूट्रल, EU आता है या U आता है न्यूट्रल में, हेलो स्पेलिंग, ठीक है। तीन टाइप की हम लोग यहाँ पे डाइज का यूज करेंगे, समझ गए। तो अभी यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल डाई की यदि हम बात करें, ठीक है, तो इसमें मेरा आवाज आ रहा है ना, हेलो रिस्पॉन्स करो, यस और नो में रिस्पॉन्स करो एक बार, वॉइस क्लियर है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं बोले जा रहा हूँ आपने यहाँ, ठीक है, बीच बीच में बेटा रिस्पॉन्स करते रहा करो, तभी मुझे समझ में आएगा कि नहीं एवरीथिंग इज ओके। तो देखिए बेटा, एक ग्रेन्यूलोसाइट जो है इसमें, इसके साइटोप्लाज्म में जो ग्रेन्यूल्स है, अब ये कलरलेस है तो उसको हम किसी ना किसी कलर से रंग देंगे, कलर्ड कर देंगे, तब जाके ही हमको दिखेगा। तो हमारे पास थ्री टाइप के कलर्ड होते हैं बेटा, जो एसिडिक कंपाउंड में होते हैं, बेसिक में होते हैं और न्यूट्रल होते हैं। तो एसिडिक कंपोनेंट के फॉर्म में यदि होंगे, तो अब देखो यहाँ पे जो एसिडिक एक डाई होती है जिसे इओसिन डाई कहते हैं बेटा, ठीक है, क्या कहते हैं उसे, इओसिन। अब इओसिन जो है एक्चुअली ऑरेंज कलर का होता है, तो जब हमने उसको रंग दिए तो वो कैसे हमको ऑरेंज कलर का दिखेगा, समझ गए। तो जब वो ऑरेंज कलर का दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग उसका टर्म रिप्रेजेंट कर दिया, उसे क्या कहते हैं, इओसिनोफिल कहते हैं, ठीक है। इओसिनोफिल्स बेसिक डाई से रंगेंगे और जब दिखता है तो उसके लिए टर्म यूज होता है बेसोफिल्स, और दोनों से भी हम उसको रंग सकते हैं तो उसके लिए टर्म यूज हो जाता है न्यूट्रोफिल, समझ गए। इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स, क्योंकि इसमें अब देखो इसका न्यूक्लियस कैसे दिखता है वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे इओसिनोफिल की हम बात करें तो ये इस तरह से सेल था, तो इसमें जो न्यूक्लियस है ना बेटा, ऐसे दो लोब इसमें दिखते हैं, ये इस तरह से जो है ऐसा न्यूक्लियस दिखता है। तो इओसिनोफिल का जो न्यूक्लियस है ये होता है बाइलोब न्यूक्लियस, एन बना रहा हूं मैं न्यूक्लियस का, ठीक है, कैसा होता है बाइलोब न्यूक्लियस। बेसोफिल में जो है इसका भी न्यूक्लियस जो है कुछ इसी तरह से होगा, बट यहां पे जो न्यूक्लियस होता है वैसा ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड न्यूक्लियस रहेगा, बाकी तो ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। हमको जब देखना है तो इस न्यूक्लियस को हम रंग रहे हैं तो उसके कलर के अकॉर्डिंग हमको ये सेल्स दिखाई देता है, तब हम समझेंगे कि ये क्या चीज है। और न्यूट्रोफिल की हम बात करेंगे तो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जो होता है ना ये डिवाइड करते रहता है, एक न्यूक्लियस फिर ये मैच्योर होते जाती, तो इस तरह से बेटा ये बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये मल्टी लोब न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, क्या होता है इसमें मल्टी लोब न्यूक्लियस, और ये जो अपने रूप को बदलते रहता है इसलिए इसको पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। इसके लिए टर्म यूज होता है PMNL, क्या टर्म यूज होता है PMNL, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, लिख के रख लो बेटा, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे ये हमारा इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल कौन सी डाई से कलर हो रहा है और उसके न्यूक्लियस कैसे होते हैं ये हमने देखे। अब आते हैं हम लोग अग्रेन्यूलोसाइट पे। अब अग्रेन्यूलोसाइट की यदि हम बात करें तो इसमें इसके दो टाइप है। अग्रेन्यूलोसाइट जो है इसमें एक आता है मोनोसाइट और एक आता है लिम्फोसाइट, ठीक है।
तो एक आता है मोनोसाइट और दूसरा क्या आएगा, लिम्फोसाइट। तो मोनोसाइट की यदि हम बात करें तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस जो होता है, ठीक है, ये किडनी के समान होता है, ये इस तरह से हमको न्यूक्लियस दिखेगा। और लिम्फोसाइट में जो न्यूक्लियस होता है ऐसा एक लार्ज राउंडेड न्यूक्लियस होता है। देखो लिम्फो का एल, एल मतलब लार्ज, लार्ज राउंडेड, इसका कैसा रहेगा किडनी का। बेसो का बी, बी का बाइलोब इधर है, किसमें, इओसिनोफिल, तो ये कैसा होगा ट्विस्टेड। न्यूट्रोफिल तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है। समझ में आ गया बेटा, इतना पार्ट समझ में आया? हाँ बेटा, ये जस्ट लाइक जब बीन शेप न्यूक्लियस होता है मोनोसाइट का। इतना पार्ट समझा सभी लोगों को? किसी के कुछ डाउट है तो पूछ लो, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स है या नहीं है, ठीक है, और न्यूक्लियस कैसा है, उसके बेसिस पे हम लोगों ने अभी WBC के टाइप्स देखे, ठीक है। रिवाइज करा दे रहा हूं एक बार, किसी को डाउट होगा तो। हम लोग यहाँ पे WBC देख रहे हैं जो कि कलरलेस होता है। यदि साइटोप्लाज्म में ग्रेनुल्स प्रेजेंट है तो उसको ग्रेनुलोसाइट, और प्रेजेंट नहीं है तो उसे अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। ग्रेनुलोसाइट में तीन टाइप आते हैं, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। अग्रेनुलोसाइट में टू टाइप आते हैं, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो टाइप्स देखे, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट जो है, ये टाइप हो गया किसका बेटा, अग्रेनुलोसाइट का। ग्रेनुलोसाइट्स की हम बात करें तो ग्रेनुलोसाइट में क्या आएगा, इओसिनोफिल आएगा, साथ ही साथ क्या आएगा, बेसोफिल आएगा, साथ ही साथ क्या आता है, न्यूट्रोफिल आता है। फिर उसके साथ साथ हमने इनके न्यूक्लियस देखे, न्यूक्लियस में बाइलोब न्यूक्लियस किसका होता है, इओसिनोफिल का होता है। बेसोफिल का न्यूक्लियस कैसा होता है, ट्विस्टेड होता है, और साथ ही साथ न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस जो होता है बेटा मल्टी न्यूक्लियस होता है इसमें, ठीक है, इसलिए इसको PMNL कहते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब हम लोग इसके परसेंटेज देख लेते बेटा, ब्लड में कितना किसका परसेंट होता है और सभी के फंक्शंस क्या होते हैं वो हम देख लेते। इतना क्लियर हो गया बेटा, हटा दूं मैं, ग्रेनुलोसाइट रिपीट करो बेटा, आस्था रिपीट कर दिया मैंने, समझा क्या? हेलो आस्था, रिपीट करा दिया मैंने, समझा क्या? आस्था, आस्था का डाउट आया था, बाकी लोगों के तो क्लियर है, और किसी का डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। ओके चलो वेरी गुड, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। अभी हम लोग इनके फंक्शंस देखेंगे, किसके क्या फंक्शंस होते हैं और कितना परसेंटेज हमारे बॉडी में इन सेल्स का प्रेजेंट होता है वो हम देखेंगे, ठीक है। चलो अब देखिए बेटा, इसके बाद सर PMNL के इंफॉर्मेशन दो, PMNL पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। पॉली मॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट मतलब बहुत सारे वहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसके अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इसे पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं। मल्टी न्यूक्लियस कंडीशन, मल्टी लोब हम इसे कह सकते हैं, ठीक है बेटा। किसका डाउट था, आर्यन, समझ में आ गया? मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट टू टाइप के सेल्स है बेटा, ये हमारा ब्लड का टाइप है। ओके समझ में आ गया। चलो तो अभी यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं बेटा, हम लोग देख रहे हैं न्यूट्रोफिल, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स देख रहे हैं। न्यूट्रोफिल्स के बाद यहाँ पे देखो न्यूट्रल, फिर मैंने बेसोफिल बताया था, फिर इओसिनोफिल बताया था, उसके बाद मोनोसाइट बताया था, और फिर लिम्फोसाइट। एक काम करते हैं हम, ऐसे इसको डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल की यदि हम बात करें तो न्यूट्रोफिल का ब्लड में जो परसेंटेज होता है ये सबसे हाई होता है, मींस ये 60 से लेकर के 65% जो है न्यूट्रोफिल देखने को मिलेंगे, याद रखना बेटा। सेकंड बेसोफिल, ये सबसे ज्यादा होता है, ये सबसे कम मतलब 0.5 से लेके 1% के आसपास बेसोफिल होता है। अब ये दोनों के बीच में इओसिनोफिल की हम बात करें तो इओसिनोफिल का जो परसेंटेज जो होता है ये 1 से लेके 3% के आसपास होता है, ठीक है, 1 से लेके 3 या 2 to 3% भी कहते हैं। अब यहाँ पे मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती है।
मोनोसाइट और लिम्फोसाइट यदि हम देखें तो लिम्फोसाइट का परसेंट जो होता है 20 से लेकर के 25% और मोनोसाइट का जो परसेंट होता है ये होता है 6 to 8%। ये बेटा परसेंट है, सेल में कितना इसके अमाउंट प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें देखो आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि इसको अरेंज करो, ठीक है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसके नंबर कितने प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो रहेगा वो नंबर वन पे आएगा, ठीक है, तो नंबर वन पे क्या आएगा, न्यूट्रोफिल। अरेंज करके बताओ बेटा इसके सिंपल कोड में, देखो NBEML ऐसा कोड है, अरेंज करो असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में अरेंज करना बेटा अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, जल्दी से क्विकली। क्या आएगा देखते हैं किसका सबसे पहले आंसर मिलता है। वेरी गुड बेटा, पूर्व का आंसर आया है, खुशी, वेरी गुड, ग्रेट। क्या हो जाएगा, एन मतलब न्यूट्रोफिल, फिर एल, फिर एम, फिर ई, फिर बी, ऐसा आएगा, समझ गए, एन एल एम ई बी, समझे, ये कोडवर्ड हो गया, ये ट्रिक हो गया, इसकी हेल्प से आप लोग बेटा क्या ये याद रख सकते हो अच्छे से। 25 को समझ में नहीं आ रहा होगा तो अच्छे से लिख देता हूं, ओके। फिर इसके बाद नेक्स्ट, वेरी गुड, एन एल एम ई बी, ये हो गया क्या चीज बेटा, इसके परसेंटेज। अब देखो न्यूट्रोफिल जो होता है बेटा बहुत भूखी रहती है, ठीक है, हमेशा याद रखना, देखो हमारे बॉडी में जब कोई बैक्टीरिया आता है ना तो बैक्टीरिया से लड़ने के लिए, उससे फाइट करने के लिए सबसे पहले हमारे बॉडी का कोई सेल जाता है ना, वो है न्यूट्रोफिल, सबसे पहले पहुंचता है बेटा, पकड़ के उसको खाना चालू करता है। तो न्यूट्रोफिल का जो काम है ये होता है बेटा फैगोसाइटिक एक्शन। फैगोसाइटिक एक्शन समझते हो ना क्या है, ये हम लोग क्या देख रहे हैं, अमाउंट हमने देखे, अभी यहां पे हम लोग फंक्शंस देख रहे हैं। तो न्यूट्रोफिल जो होता है फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक मतलब जैसे कि सपोज ये हमारा ब्लड है, यदि कोई बैक्टीरिया हमारे ब्लड में घुसा और ये न्यूट्रोफिल है तो उसको पकड़ के न्यूट्रोफिल सबसे पहले क्या करेगा, खा लेगा। कैसे खाएगा, तो ये न्यूट्रोफिल है और ये यदि बैक्टीरिया है तो न्यूट्रोफिल सबसे पहले उस बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग अपने स्ट्रक्चर को बदला, बैक्टीरिया को अपने अंदर लिया, उसको ऐसा अंदर लिया, देन डाइजेस्ट और डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बताया हूं मैंने फेगोसाइटोसिस फिनोमिना क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से न्यूट्रोफिल का एक फंक्शन हो गया, क्या हो गया, फेगोसाइटोसिस करना, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, हाँ, बैक्टीरिया को क्या करेगा ये किल कर देगा, समझ गए। अब बेसोफिल जो होता है बेटा ये रिलीज करता है, ये रिलीज करता है 3 टाइप के केमिकल, ओके। बेसोफिल जो है 3 टाइप के केमिकल्स रिलीज करता है, जैसे कि इसमें एक आता है हिपेरिन, सेकेंड आता है हिस्टामाइन। हिस्टामाइन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया बेटा, है ना, क्या होता है, वैसोडायलेटर और ब्रोंको कंस्ट्रिक्टर, जो मास सेल्स के थ्रू सिक्रेट होता है। तो बेटा बेसोफिल यदि ब्लड में है तो ये बेसोफिल के टर्म में काम करेगा, और ये बेसोफिल जब टिश्यू में चला जाता है तो उसे मास सेल कहते हैं, ये याद रखना। तो ये हिस्टामाइन सिक्रेट करता है, हिपेरिन सिक्रेट करता है, और एक सेरोटोनिन, ठीक है, ये 3 केमिकल जो है बेसोफिल से रिलीज होते हैं। तो हिस्टामाइन का फंक्शन क्या होता है ये आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो, ठीक है। हिपेरिन जो होता है बेटा ये एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है। एंटीकोगुलेंट का मतलब देखो, यदि आपका कुछ यहाँ पे कट लगा, ब्लीडिंग बाहर आ रही है, तो यहाँ पे फाइब्रिनोजन जो होता है ब्लड को क्लॉट करता है, ब्लड की ब्लीडिंग को रोकता है। लेकिन बेटा जब कटा तब ना, लेकिन जब कटता नहीं है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, समझे। तो हमारे अंदर जो ब्लड को क्लॉट होने से जो बचा रहा है, तो वहां पे एक केमिकल कंपोनेंट काम करता है जिसे हिपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हिपेरिन। तो हिपेरिन जो है ये क्या करता है बेटा, हमारे ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है। फिर आप बोलोगे सर जब ब्लड में हिपेरिन है तो कटने के बाद फिर वहां पर फाइब्रिनोजन क्यों आया, तो बेटा जब ब्लडिंग बाहर होती है ना तो बाहर में हिपेरिन जो है बाहर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया ना तो काम नहीं कर पाता, समझे। तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से वो इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए वहां पे फाइब्रिनोजन चाहिए।
पर अंदर ब्लड में फाइब्रिनोजन काम नहीं कर पाता, इसलिए वहां पे हीपेरिन चाहिए। सभी की अपनी एक जगह होती है ना, कोई भी कहीं पे भी जाके काम थोड़ी कर सकता। समझ में आ गया? तो सबका अपना एक रोल रहता है जिसके अकॉर्डिंग ये काम करता है, ठीक है। अब यही चीज यदि हम लोग बाहर, यदि हम कुछ ब्लड की एनालिसिस करते हैं, तो ब्लड की एनालिसिस के लिए बेटा हम स्पेशल टाइप के एंटीकोगुलेंट का यूज करते हैं, जैसे सोडियम साइट्रेट का यूज करते हैं, एक EDTA आता है, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटेट, इसका यूज करते हैं। ये हमारे ब्लड क्या है, एंटीकोगुलेटिंग एजेंट है। जब हमको केमिकल एनालिसिस करना है, ब्लड का टेस्टिंग करना है, ठीक है, यदि हमने ब्लड निकाल के ऐसे ट्यूब में डाल के रख देंगे ना, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, फिर हम उसका टेस्टिंग नहीं कर सकते, समझे। तो उसके लिए हमको एंटीकोगुलेंट का यूज करना पड़ता है। तो ये हो गया बेसोफिल। इयोसिनोफिल मैंने आपको बताया था बेटा, ये एलर्जी की रिएक्शन जो होती है, तो एलर्जिक रिएक्शन में इयोसिनोफिल जो है वो काम करता है, ठीक है। जैसे कि बॉडी में हमारे किसी भी टाइप का एलर्जी हुआ, तो एलर्जी के टाइम पे इयोसिनोफिल काम करता है, समझ गए। मोनोसाइट बेटा ये लार्ज होती है, और ये लार्ज होने के बाद इसे मैक्रोफेज कहते हैं, ठीक है। टिश्यू में रहा तो मैक्रोफेज, और इसका काम भी बेटा फैगोसाइटिक एक्शन है। फैगोसाइटोसिस जो है उसमें मोनोसाइट जो है वो हेल्प करता है। फाइनली बचा हमारा लास्ट लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट में बेटा इसके दो टाइप आते हैं, इसको हम डिटेल में इम्यूनोलॉजी जब पढ़ेंगे तब हम स्टडी करेंगे। तो लिम्फोसाइट जो होता है इसमें दो टाइप आते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है, समझे। तो ये जो है बेटा हमारा बॉडी में जो इम्यून सिस्टम होता है ना, एक सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है और एक ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी होता है। जैसे एंटीबॉडी का जो प्रोडक्शन है वो बी सेल से होता है, समझ गए। तो ये इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट जो है, और हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फोसाइट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें बी सेल और टी सेल्स आती है। अब ये सारी सेल्स का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है बताओ? ये सारी सेल्स का फॉर्मेशन बेटा हमारे बोन मेरो में ही होता है, समझ में आ गया। बोन मेरो में ही होता है सारी सेल्स का फॉर्मेशन। अब लिम्फोसाइट में देखो बी सेल और टी सेल है, तो बी सेल बेटा बोन मेरो में फॉर्म भी होगा और मेच्योर भी हो जाता है, बट टी सेल जो होता है डायरेक्टली इस तरह से एक ऑर्गन है जिसे कहते हैं थाइमस, ठीक है। ये हमारे जो हार्ट होता है ना, हार्ट यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर, ये जो थोड़ा सी कैविटी यहाँ पे बीचों बीच में एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, मैं पिक्चर में दिखा दूंगा, जिसे थाइमस कहते हैं। और थाइमस एक ग्लैंड है जो एक हार्मोन सेक्रेट करता है जिसे कहते हैं थाइमोसिन। और थाइमोसिन हार्मोन जो है बेटा ये टी सेल के मेच्यूरेशन में हेल्प करता है। टी सेल का सिंथेसिस तो बोन मैरो में हो रहा है, बट टी सेल मैच्योर कहां पर हो रही है? तो टी सेल मैच्योर हो रही है थाइमस में जाके, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। किसी के कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ वेरी गुड बेटा, स्टर्नम के पास होता है, वेरी गुड। चलो एक बार ये जितना भी पार्ट पढ़ाया मैंने एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूँ, ताकि आपको अभी की सारी कंसेप्ट अभी के अभी याद हो जाए, समझ में आ गया। और फिर आज जितना पढ़ा है उसको एक शॉर्ट ओवरव्यू बता देता हूँ। आज अभी हम लोग यहाँ पे बेटा न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इसके हम फंक्शंस देख रहे हैं। उसके पहले हमने परसेंटेज देखे। सबसे ज्यादा परसेंट न्यूट्रोफिल का होता है 60-65। उसके बाद फिर हम आएंगे बेसोफिल, 0.5 से 1% होता है। इयोसिनोफिल 1 से 3 या 2 से 3% हम कह सकते हैं, ठीक है। फिर लिम्फोसाइट की हम बात करें तो 20-25 आता है, और मोनोसाइट 6-8% होता है। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों के फंक्शन सेम है, फैगोसाइटिक एक्शन है, पकड़ के खा जाते हैं। इयोसिनोफिल एलर्जिक रिएक्शन में काम करता है, लिम्फोसाइट हमारे इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, और बेसोफिल तीन केमिकल बनाता है, जिसमें मैंने हम एक स्पेशल जो पढ़े क्या चाहिए, हिपेरिन। हिपेरिन का फंक्शंस देखे जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, समझ में आ गया बेटा। तो ये इस तरह से न्यूट्रोफिल के फंक्शंस हो गए। फिर यहाँ पे हम लोगों ने क्या चाहिए, डाई का यूज किए थे। डाई में हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, एसिडिक डाई, बेसिक डाई और न्यूट्रल डाई, समझ गए। तीन तरीके का हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट्स देखे थे। ओके जस्ट वेट, वीडियो पॉज हुआ होगा। हाँ तो अभी देखिए यहाँ पे हम लोगों ने थ्री टाइप की डाइज का यूज किए थे। थ्री टाइप की डाइज में हम लोगों ने यहाँ पे सारे कंसेप्ट देखे थे, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वन बाय वन हम लोगों ने न्यूट्रल एसिडिक कैसे होता है, ग्रेनुल्स, कलर्ड, कलरलेस, ये पार्ट समझे। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने
क्या क्या देखे बेटा, पहले चीज न्यूट्रोफिल को न्यूट्रल डाई से डाई करते हैं, इयोसिनोफिल के लिए एसिडिक डाई आता है, बेसोफिल के लिए बेसिक आता है। बेसिक ट्विस्टेड न्यूक्लियस, इयोसिनोफिल बाइलोब न्यूक्लियस, लिम्फोसाइट लार्ज न्यूक्लियस होता है, मोनोसाइट किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, न्यूट्रोफिल मल्टी न्यूक्लियेटेड कंडीशन होती है। समझ गए, लिम्फोसाइट के प्रोडक्शन को क्या कहते हैं बेटा, ल्यूकोपोइसिस, सॉरी ल्यूकोसाइट मींस डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्रोडक्शन को ल्यूकोपोइसिस कहते हैं। ये हमने देखे। आरबीसी का फॉर्मेशन जो होता है उसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस के लिए टर्म हमने देखे, जो कि बोन मेरो में स्टेम सेल एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है, जहां पे न्यूक्लियस होता है, इमेच्योर आरबीसी है। आरबीसी मेच्योरेशन के लिए यहाँ पे विटामिन B12, विटामिन B9 और क्या चाहिए हम लोगों को, एक हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन, जो आरबीसी को मेच्योर करता है। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। समझ गए। इसके पहले हम लोगों ने बेटा हम काउंट्स देखे। आरबीसी के काउंट्स जो होते हैं 4.5 से लेके 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं। डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है। प्लेटलेट जो होता है वो कितना होता है, 1.5 से 2.5, 3.5 लाख के आसपास होता है। समझ गए। फिर इसके बाद हम लोगों ने नंबर इंक्रीज और डिक्रीज देखे। आरबीसी के नंबर इंक्रीज होंगे तो पॉलीसाइथेमिया होगा, आरबीसी का नंबर डिक्रीज होता है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया कहते हैं, डब्ल्यूबीसी के नंबर इंक्रीज होते हैं तो ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं, थ्रोम्बोसाइटोसिस प्लेटलेट्स के नंबर के इंक्रीज को कहते हैं। प्लेटलेट का नंबर डिक्रीज हुआ तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, और साथ ही साथ डब्ल्यूबीसी का नंबर डिक्रीज हुआ तो ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाएगा। समझ में आ गया। आरबीसी बाइकॉनकेव होता है, डब्ल्यूबीसी जो है इरेगुलर होता है, और साथ ही साथ प्लेटलेट जो है वो बाइकॉनवेक्स होता है। सेप मैंने आप लोगों को बताया था कैसे होते हैं, ये सारे पार्ट देखे थे। लाइफ स्पेन स्पेशली आरबीसी का दिया है हमारे एनसीईआरटी में, जो कि 120 डेज होता है। डब्ल्यूबीसी 12 टू 20 डेज के आसपास होता है। प्लेटलेट ज्यादा दिन नहीं, 2 से 3 दिन तक के रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता। तो ये टाइप्स देखे बेटा। ब्लड आज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो आप लोगों का बहुत अच्छी तरह से हुआ होगा। उम्मीद करता हूँ आज का जो लेक्चर है इसमें एक कंसेप्ट जिसमें हमने ब्लड के जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीजें देखे। नेक्स्ट इसमें हम ब्लड के कोएगुलेशन का मैकेनिज्म क्या होता है वो समझेंगे। ब्लड के कोएगुलेशन के बाद हम लोग यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग को समझते हुए ब्लड ग्रुप का स्टडी करेंगे। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है आरबीसी के सर्फेस पे जो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे हीमोफीलिया डिसीज जो है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिए हैं उसमें टोटल 12 फैक्टर जो है इन्वॉल्व होते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। किसी के कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो बेटा। ओके, ये आपके ब्लड सेल्स से बेटा इसके ये डायग्राम है, एक बार अभी डायग्राम देख लो। हाँ बेटा, आरबीसी है तो हीमोग्लोबिन होगा ही होगा। ओके, देखो प्लेटलेट्स आपको दिखाई दे रही है, आरबीसी आपको दिख रहा है, न्यूक्लियस आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर आरबीसी हो गया, इयोसिनोफिल का न्यूक्लियस है, बेसोफिल है, न्यूट्रोफिल है, मोनोसाइट हो गया, टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट। इसके अलग अलग यहाँ पे ये क्या है, डायग्राम है। समझ में आ गया बेटा, क्लियर हुआ? किसी को कुछ पूछना है अभी? ईसीजी पे पहुंचेंगे बेटा, एनसीईआरटी नहीं मिला, ठीक है मैं एनसीईआरटी शेयर कर दूंगा बेटा इसका पीडीएफ एनसीईआरटी वाला।
ओके अभी देखेंगे, वॉइस आ रहा है क्या बेटा? हेलो। हाँ चलो, तो जिसके भी जो डाउट है मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, क्या क्या कहा मैंने अभी आपको। देखिए यहाँ पे हीमोथोरेक्स, प्रहलाद हीमोथोरेक्स में आपको डाउट में पर्सनल पूछ लो, बता दूंगा। अथर्व बेटा ईसीजी हमारा होने का है, हम पढ़ेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं इसे। खुशी एनसीईआरटी आपको मिल जाएंगी, मुझे रिमाइंड करा देना, ठीक है, ग्रुप में सेंड कर दूंगा। पूर्वा केमल के आरबीसी बेटा, इसमें जेनेटिक मेकअप का फर्क होता है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन बेटा, ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में हम देखेंगे, जहाँ पे सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है, ठीक है। थैंक यू आर्यन बेटा, बेस्ट टीचिंग, एंजॉय किया लेक्चर, थैंक यू। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इसे ईएसआर कहते हैं बेटा, इसकी हेल्प से हम लोग क्या है, ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं। ओके पार्थ, समझ में आया? और किसी के कुछ डाउट है? चलो फिर, थैंक यू बेटा, फिर आपका नेक्स्ट लेक्चर का भी वैसे टाइम हो गया है, किसी के डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर आगे का पोर्शन हम लोग फाइनली अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एमटीजी फिंगर टिप लेना, अब बेटा देखो चॉइस आपकी है, बट मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लोगे तो फायदा रहेगा, क्योंकि वो पैसा वेस्ट नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट है वो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा है जिससे आपको काफी हेल्प मिलेंगी, ठीक है। यदि अच्छा प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करना है, तो जरूरी है बेटा एटलीस्ट क्या कह सकते हैं हम लोग, अपने क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए चाहिए चाहिए। टेलीग्राम पे कौन सा लिंक चाहिए बेटा? देखो अभी नहीं ले पा रहे हो तो कोई बात नहीं, अभी तो आपको बहुत सारा डेटा है, मैं आपको सारा कुछ प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर बाद में आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी अपना बहुत कुछ हो गया है, अब परचेस कर सकते हैं, तो तब परचेस कर लो, समझ गए? मुझे मैसेज कर देना बेटा मंदर, जो भी चाहिए मैं आपको वहां पे पोस्ट कर दूंगा फिर, ठीक। मेरे थ्रू बेटा आपको सफिशियंट अमाउंट में पीडीएफ लेक्चर्स के थ्रू, वीडियो के थ्रू और डेटा सारा मिलेगा, टेंशन ना लो, मॉड्यूल्स भी आपको मिल रहा है, ठीक है। आप कुछ नहीं भी परचेस करते हो तो टेंशन ना लो, मैं हूं आप लोगों के लिए, ठीक है। सारी चीजें आपको मेरे थ्रू प्रोवाइड हो जाएगी, परचेस कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो कोई नीड नहीं है बेटा, ठीक है। समय समय पे मैं आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराते जाऊंगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, थैंक्स। हाँ बेटा अभी अभी आप कॉल कर सकते हो, अभी मेरा क्लास नहीं है, या फिर 2 बजे कॉल कर लेना, ठीक है, 2 बजे कॉल कर सकते हो आप। कल का टाइम, कल ठीक है, कल भी 2 बजे कर लेना, चलो ओके, चलो बाय बाय, बाय देवांग।